चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सूचना आसानी से प्राप्त हो सके। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं मंडल में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर, जनपद मुख्यालय नैनीताल से 63 किलोमीटर, कोसी नदी के पश्चिमी तट पर पहाड़ों की तलहटी में बसा रामनगर। रामनगर नैनीताल जिले का तीसरा एवं उत्तराखंड का 13वां सबसे बड़ा शहर है। वही रामनगर जहां से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है, वही रामनगर जहां पर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। यूके 19 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत नगर, वही रामनगर जिसकी दूरी काशीपुर से लगभग 26 किलोमीटर है। तो आइए रामनगर शहर का प्रारंभ करते हैं। जिला मुख्यालय नैनीताल से रामनगर में प्रवेश करने पर कोसी नदी का बैराज दिखाई पड़ता है। बैराज से बाई की ओर जाने वाली सड़क काशीपुर देहरादून की ओर प्रस्थान कर जाती है। दाएं जाने वाली रोड रानीखेत, जिम कार्बेट पार्क और रामनगर शहर में प्रवेश करती है। इस मार्ग पर रामनगर का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थित। आगे बढ़ने पर ये रोड काशीपुर रानीखेत रोड लखनपुर चुंगी पर समाहित हो जाती है। रानीखेत रोड मुख्य मार्ग पर जिम कार्बेट नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार एवं सुप्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर स्थित है। लखनपुर चुंगी से बाएं यानी दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए दाएं हाथ पर रामनगर का रोडवेज बस डिपो स्थित है, जहां से उत्तराखंड के मुख्य शहरों समेत दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में आवागमन हेतु बस सेवाएं बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं। रामनगर को 1850 में ब्रिटिश आयुक्त एच राम के द्वारा बसाया गया था, जिनके नाम पर इस शहर का नाम रामनगर पड़ा। प्रारंभ में यह तराई जिले का हिस्सा था, जिसे 1851 में नैनीताल जनपद के रूप में पहचाना गया। रामनगर के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 75,000 की जनसंख्या निवास करती है। इसका शहरी क्षेत्र और रामनगर नगर पालिका सहित कई ग्राम पंचायतों तक फैला हुआ है। दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए ये मार्ग रामनगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचता है। यहां से पूर्व में कोसी रोड के रूप में एक मुख्य सड़क प्रारंभ होती है, बाईपास तक फैला हुआ है एवं अपने पूर्वी छोर पर यातायात नगर के निकट कोसी बाईपास से जोड़ देता है। मुख्य चौराहे के पूर्वी भाग में के मुख्य बाजार हैं, जिन्हें चार भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले जसपुरिया लाइन, दूसरा कसेरा लाइन बाजार, तीसरा ज्वाला लाइन बाजार और चौथा बजाजा लाइन बाजार के रूप में पहचाना जाता है। चारों बाजारों के उत्तरी छोर पर सराफा बाजार है, जो छंगा लाइन द्वारा कोसी रोड से जुड़ा हुआ है। मुख्य चौराहे के निकट ही मुख्य सड़क पर डाकघर एवं मथुरा दास प्रसादी राजा हिंदू इंटर कॉलेज का भव्य एवं ऐतिहासिक परिसर स्थित है। नगर पालिका त्राहे से पश्चिम में प्रारंभ होने वाली सड़क पर चंद कदमों की दूरी पर नगर पालिका परिषद, नगर पालिका से उत्तर की ओर की सड़क घास मंडी के रूप में पहचानी जाती है। इस मार्ग पर भी अब बाजार विकसित हो चुका है। यह सड़क सिद्धेश्वर मंदिर के निकट से होकर पुलिस फायर स्टेशन चौराहे पर पहुंचती है, जहां से एक यू टर्न लेकर ब्लॉक रोड से होते हुए वापस
मुख्य सड़क रानी खेत रोड से जुड़ा जा सकता है। मुख्य चौराहे से आगे बढ़ते हुए ये मार्ग कोतवाली रामनगर जामा मस्जिद त्राया होकर रामनगर के शहर की भव्यता निसंदेह मन मोहित कर लेती है। ये मार्ग आगे बढ़ने पर भवानीगंज चौराहा पर पहुंचता है। इस मुख्य चौराहे से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क मंगलार रोड उत्तर पूर्व की ओर सड़क बाईपास के रूप में हल्द्वानी नैनीताल कोसी बैराज और पश्चिम की ओर जाने वाली एक सड़क रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। लगभग आधा किलोमीटर सफर तय करने के पश्चात रामनगर का भव्य रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ता है। रामनगर में 1908 में रेल सुविधाओं का शुभारंभ हुआ। यहां से काशीपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, जैसलमेर, राजस्थान इत्यादि अनेकों शहरों के लिए पैसेंजर एवं एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं। ये इस लाइन का अंतिम रेलवे स्टेशन है। भवानीगंज चौराहे से ये रोड आगे काशीपुर, मुरादाबाद, दिल्ली, देहरादून इत्यादि शहरों के लिए प्रस्थान कर जाती हैं। रामनगर शहर में पूर्व समय में दो सिनेमा घर भी संचालित होते थे, जिनमें एक सिनेमा घर लंबे समय से बंद है एवं दूसरा सिनेमा घर मॉल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर ही सुप्रसिद्ध हनुमान धाम स्थित है। रामनगर पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें और इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो रामनगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है और नया करने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपकी दोस्त, आपकी मित्र आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।